सबकी सेफ्टी के लिए जबरदस्त मिलिट्री डिप्लॉयड है और हम हैं श्रीनगर के डेड सेंटर यानी कि लाल चौक के अंदर एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग श्रीनगर एंड द ब्यूटीफुल रीजन ऑफ कश्मीर. इट्स सच अ नाइस मार्केट स्क्वायर. इट हैज अ वेरी नाइस वाइब. आई लाइक इट. इट्स वाइड, इट्स ओपन, इट्स वाइब्रेंट एंड इट इज संडे. इवन देन इट इज दैट बिजी. मोस्ट ऑफ द शॉप्स अगर आपको पीछे नजर आ रहा हो सारी बंद है. मगर एक और चीज अगर आपको नजर आ रही हो, जितनी पीछे बिल्डिंगें दिख रही हैं, इनके पहले माले दूसरे माले पे आर्मी डिप्लॉयड है. बड़ी बड़ी मशीन गन्स लेके स्नाइपर डिप्लॉयड है टू मेक श्योर एवरीथिंग रिमेन्स सेफ एंड पीसफुल सो दैट टूरिस्ट लाइक अस कैन कम एंड एक्सप्लोर. हम भी घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं बड़ी वाइब्रेंट लाइव एनर्जेटिक जैसे कि इसने बोला यहाँ की वाइब है. शुरुआत करी जाए जी आज की. और लाल मार्केट पर लाल बाजार भी लगता है तो इसीलिए मैं मैडम को ले गया हूँ कि यहाँ पे इनको दिखा दूँ कि थड़े वड़े की शॉपिंग कैसे होती है. दिस इज रियली कॉमन टू एवरी इंडियन सेंट्रल मार्केट लाइक इन द ओल्ड पोर्शन ऑफ द सिटी ऑल्सो और द पॉपुलर पोर्शन. अभी यहाँ पे जैकेट यू सी. पाजी क्या बोल रहा है? ये आखिरी बची है. This is the last. Oh wow. Yeah. You want a big one? This is the kulfi? No, this is not kulfi. This is sevaiya. Sir, ये ठंडी होगी गरम? ठंडी. This is cold. You want to try one? If we share. Oh okay. Because I really like the kulfi, but I prefer the kulfi without the noodle. Oh, this is something really different though. Let's try. Okay. You know, a lot of people were saying that I will have diarrhea by the end of the trip because I'm trying so many street food, but I've been lucky so far. I think and this place looks good. See how pretty it is. Yeah, it's just about the water. Yeah, that's true. But what is life without risk, right? Yeah. Wow, it's really soft. भाई साहब सेवैया तो पास हो गई. हां इंशाल्लाह हो जाएगा पास. बाकी ये तो हमारा काम ऐसा ही है, पास होता है. पास होता ही होता है भाई साहब. वो कॉन्फिडेंस है पूरा पूरा है क्वालिटी पे. अच्छा ये बताओ ये बनती किस चीज के? मतलब सेवैया होता है और दूध होता है. अच्छा घी होता है. दूध घी से घी पे घी पे फिर अच्छा फ्राई करना. मीठे के लिए क्या डालते हो? मीठे डालते चीनी बस. बस ये क्या चीज है भाई साहब? एग एग. अच्छा अंडा फ्राई. यस ओके. और वो क्या कहते हैं, मैंने सुना है मच्छी के कबाब हैं. मच्छी के कबाब हैं, फिश के कबाब हैं. ये तो पहली बार सुना है मैं यार, कहीं मिलते ही नहीं. मिलते हैं यार. ये मच्छी दे रहे हो, कौन सी मच्छी है? बासा. और क्या रेट है कबाब का? सब 120 रुपए पड़ेगी प्लेट. तो प्लेट में मतलब किलो विलो कितने होते हैं? ग्राम ग्रूम कबाब पीस के हिसाब से 40 रुपए एक पीस. अच्छा मुर्गर मच्छी 400. देखो जी मच्छी के कबाब तो मैंने पहली बार देखे और पहली बार ट्राई कर रहा हूँ. फ्राइड फिश तो कई बार खाई है बट सॉफ्ट है. एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया कि नारियल की तरह है बाहर से सख्त अंदर से मेवा सॉफ्ट. राजू भैया भी अपना पूरी फुल फुल वाइब ले रहे हैं. हमने कहा कि आज आपकी खाने से भी छुट्टी, हम फूड ब्लॉग भी बनाएंगे सबके लिए ले भी जाएंगे. आज आप हमारे साथ आए हो, थोड़ा सा कश्मीर भी घूम लो. बाकी जी तिरंगे के रंग यहाँ पे नज़र आने शुरू हो गए हैं और अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी आगे की तरफ बढ़ा जाए, आपको ये इलाका भी दिखाएं और थोड़ा और कुछ खाना वाना ट्राई करें. हज़रतबल की तरफ चलते हैं. भाई कह रहे हैं एक फोटो हमारी भी ले लो. कहाँ से है भाई साहब आपकी बोली? तो हरियाणा है. हरियाणा से भाई तेरी की. मैं भी फरीदाबाद से हूँ. फरीदाबाद से भाई. वैसे हूँ पंजाबी. भाई क्या कहते हैं हरियाणा वाली बोली मेरे को आती नहीं क्योंकि दिल्ली है ना, थोड़ा हमें रहना पड़ेगा रोहतक साइड पे. तब तक थोड़ी निकलेगी. ये तो सुल्तान पिक्चर देखी है ना, तब से बच्चे थोड़ी वरना लहजा पकड़ नहीं पाते. हरियाणवी लहजा बहुत मजेदार होता है. आइसक्रीम खाऊं? बस आइसक्रीम वही देख रहा हूं. आप भी आइसक्रीम खाओगे? आप भी घूमने आए हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी घूमने आए सर. हम भी कल परसों आए थे. अच्छा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भाई. कहाँ कहाँ हो गया हो? हम अभी गुलमर्ग गए थे, टनमर्ग गए थे, डल लेक गए हैं. वाह सारे निकले? नहीं लद्दाख निकले. वाह 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 शौकीन आदमी है. हाँ बिल्कुल भाई. मौज लो जी. बस हम आपके समस्कर में हैं. अरे वाह थैंक यू सो मच. आपको देखा तो भाई को रोकनी पड़ी. एक सेकंड आपने ये देखो, एक बार आप ये देखो. हम पागल हो जाएंगे सर. आप पहले ये देखो.
Now, doll, I will take you to Hazrat Bal. It's like a really revered shrine in Islamic faith. मैं मैडम को रोड क्रॉस करना सिखा रहा हूँ. सो यू नीड टू हैव आई ऑन द एवरी साइड ऑफ योर हेड टू बी एबल टू क्रॉस रोड. सॉरी इफ आई स्क्वीज टू हार्ड. ओके कम वेरी केयरफुल. ओके कम 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 पूरी मार्केट नहीं खुली, मगर एडवांटेज ये हो जाती है कि फिर भीड़ ट्रैफिक भी कम होता है, गाड़ी निकल पाती है आराम से. थोड़ी थोड़ी भाई यहाँ पर चलते चलते ना पुरानी दिल्ली टाइप आनी शुरू हो गई है कि, मगर ये है कि घरों के स्ट्रक्चर थोड़े से डिफरेंट है पहाड़ी स्टाइल के, और पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, ये तो दिल्ली में दिखना संभव नहीं. और जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ ना, ये यहाँ से धुएं, यहाँ से धुएं, वो वहाँ से धुएं, लोगों को लगता है यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह सीखोगा ना ज़्यादा ही मज़ा आता है. भाई साहब ये क्या आइटम है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी पूरी है? पराठा है. पराठा ओ तेरे की. इट्स अ पराठा. दैट्स व्हाट दे से इट इज. भाई साहब दरगाह का बाजार है, कहाँ से शुरू होता है? दरगाह मार्केट बोलते हैं इसको. इधर से ये हलवा भाई साहब. हाँ जी. और ये सब ये वो का आइटम है, वो कौन से पकौड़े? वो लोटस स्टैम्प है. अच्छा कमल ककड़ी. ये सर मटर है. मटर. अच्छा ये जी मटर के पकौड़े. ये आलू. फाइनली जी पहुंच गए मैं हजरत बल दरगाह, और यहीं पे जो है ना मार्केट लगती है सामने, दरगाह मार्केट, वो हम देखने जा रहे हैं. और कुछ अगर खाने को मिल गया तो वो उसके बाद वी विल हैव कश्मीरी स्पेशलिटी, डेलिकेसी, ऐसी चीज़ जो सिर्फ कश्मीर की बड़ी फेमस है. वी विल ईट इट इन अ बिट, बट लेट्स गो वॉक थ्रू द दरगाह मार्केट फर्स्ट. ओके ओके ओके. बट आई एम वेरी हंग्री. कश्मीर रीजन में जी अपनी कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री तो है नहीं, तो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो हैंडमेड होती हैं. वॉलनट कार्विंग यहाँ पे कहा जाता है कि काफ़ी फेमस है, उस लकड़ के हिसाब से जो चीज़ें बनाते हैं. एंड इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव एज वेल. वही यहाँ देखने को मिल रही है. Thank you. Done. Don't go to another one, यार. Thank you करने के चक्कर में और बढ़ जाने इसी अंदर. बागी दरगाह जो है ना बिल्कुल ही दल्ले के किनारे है, और यहाँ पे बहुत फिशिंग चल रही है. People do enjoy fishing है. मैंने देखा फिशिंग की बहुत सारी शॉप्स भी हैं यहाँ पे डेडिकेटेड. क्या रिपोर्ट है जी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज. कलरफुल वन. अच्छा ओ यार ये कश्मीरी बढ़िया. ओके क्या नाइस कलर, लाइक इट. ये शॉल होती है ना उस टाइप का मटेरियल है शॉल वाला. वैसे भाई साहब कितने की है? 350. नॉट बैड. 350 होंगे. $4, $5, $6. और अब हम आए हैं फनली जी मुगल दरबार, एक बड़ी खास कश्मीरी आइटम खाने के लिए जिसके बारे में मुझे आज तक नहीं पता था कि ऐसी भी कोई डेलिकेसी होती है. रेस्टोरेंट की जो वाइब और फील है ना वो तो बहुत ही बढ़िया है. पीछे मुगलई स्टाइल की पेंटिंग बनी हुई है, क्योंकि भी हमने खाना भी इस तरह का खाना है. This place is only for Wazwan. They don't serve anything else here in this area. And they say they don't give you spoon. You have to eat with hand. Yeah, because it's part of the experience. No, it's not just about eating the food. It's about sharing, experiencing. Sharing with the people. Normally, I've read that they share one Wazwan with four people. Yeah, the big one. But yeah. We will have two small ones. Okay. कबाब में सर जी समझाई जाओ. एक मटन तबक मास चॉप, इसको दो पीस किया है. अच्छा मटन सीख कबाब है, इसको भी दो पीस किए. ये मटन की चटनी मेथी कुरमा इसको बोलते हैं. ओके ये दो जगह डाली है. ये चिकन है. अच्छा उसके बाद मटन रिश्ता है. ये बोनलेस बाल होती है मटन की. ये मटन रोगन जोश है बोन वाले पीस. ये मरचवांगन कुरमा है, मिर्ची कुरमा इसको कहते हैं. ये स्पाइसी है. अच्छा और लेमन पड़ता है इसमें. ये गोश्तावा है कर्ड की ग्रेवी पे. योगर्ट सॉस.
ये लास्ट में खाना होता है। अच्छा। और ये पुलाव है इसके साथ पॉट ऑफ अजवान, ये वेजिटेबल चटनी है इसके साथ, पहले तबक मास खाने का। ठीक है। How do you feel? Overwhelmed? It's different. It's different, of course. A lot of chicken. I'm pretty sure Papa and Guillaume would have loved it. Oh yeah, for sure. For Papa sure, ji ko meat bada pasand hai, Guillaume ko bada pasand hai. Both meat lover. Good kebab. भैया हमें 5-7 बार आके ये बोल गए हैं कि बाबूजी पहले आप खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। मैं उनको कह रहा हूँ भाई साहब फोटो शूट ना करें, थंबनेल ना लें तो कैसे खाएंगे। This is supposed to be had as it is, not filtered. But look, look at the amount of fat. The only chicken in the meal, and you have to eat everything with hands. So sorry. Juicy, nice. बहुत ज़्यादा तीखा मसाले वैसे नहीं है, ऑयल ज़रूर है खाने में, बट ओबियसली मुगलई खाने में ऑयल होता है। नाइस, द चटनी इज गुड। ओके, आई ट्राई टू विद द एंड। You actually ate better than me. How is it? I learned in Africa. You need to use the thumb to push. Exactly. How is it? It's good, but it is definitely the most difficult item to be vlogging about. चाय सारी करीज देखने में एक जैसी लग रही है, मगर मीट का फ्लेवर हर जगह डिफरेंट है। यार हाथ से खाना थोड़ा सा मेरे को भी अजीब लग रहा है, और आपको थोड़ा अगर डिसगस्टिंग लग रहा हो तो उसके लिए माफी, मगर इसको एंजॉय करने का असली तरीका तो यही है। ये स्पाइसी वाला जैसे मैं थोड़ा दिल्ली वाला स्वाद जिसे कहते हैं ना, बढ़िया। मैडम कह रही है मेरे हाथ इतने गंदे हो गए हैं, मेरा मन नहीं मान रहा उसको टच करने के लिए, बट ठीक है। Okay, so you don't like this basically. Okay, you like normal meat, but not the ball. Not really, not that fun. Okay. भाई साहब, इतना भारी खाना भी चौथाई खाया, हमारा टिट भर गया। इनका जैसे रूल है ना कि यहाँ पे वाजवान के अलावा कुछ और नहीं आएगा, बिना चम्मच के खा नहीं सकते। बस ये रूल ना हो कि बिना पूरा खाए जा नहीं सकते। पैक करा लिया जी हमने, मगर मेरी ऐसा कंक्लूजन असेसमेंट ये है कि भाई साहब अगर ये खाने हैं ना तो एक तो बिल्कुल खाली पेट आना चाहिए, दूसरी चीज़ यू हैव टू बी अ बिग फैन ऑफ पोटैटो टू बी एबल टू एंजॉय इट। हमको ज़रा चिकन का टेस्ट है तो हमको उतना मज़ा तो नहीं आया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ऑन एन ऑनेस्ट नोट, बट ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ फूड वॉज रियली गुड, स्वाद भी बहुत बढ़िया था, मगर ऑयल था या घी था वो तो खैर पता नहीं, जो भी था वो थोड़ा रिच काइंड ऑफ फूड है, तो यू हैव टू कम विद एम्प्टी बेली एंड अ लॉट ऑफ पीपल।